चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस कैपिटल क्यू एंड कैपिटल क्यू. ठीक है, दिख रहा है मिड पॉइंट पे. शो दैट सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम. उसने ये नहीं कहा कि ये इक्विलिब्रियम में है, उसने कहा सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इक्विलिब्रियम में है. मतलब कि ये भी इक्विलिब्रियम में, ये भी और ये भी इक्विलिब्रियम में, सब इक्विलिब्रियम में है अगर स्मॉल क्यू इसके इक्वल है. ये प्रूव करना है. तो सबसे पहली चीज माइंड में ही आती है कि पिछले क्वेश्चन की तरह ही काम करते हैं कि स्मॉल क्यू को इक्विलिब्रियम में लेके आते हैं. तो स्मॉल क्यू पे फोर्सेस बनाते हैं. कैसे बनेगी फोर्सेस? ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर, और ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर. और क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो ये दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो मैंने इक्वेट कर दिया, इक्वेट करके आंसर जीरो आ गया, जीरो आ गया. और मेरे को लगा हाँ ठीक है इक्विलिब्रियम आ गया. इक्विलिब्रियम में प्रूव करने को तो था ही नहीं, वो तो कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में, वो थोड़ा चेक करना है. पर मेरा आंसर नहीं आया, मैंने गलत नहीं किया पर मेरा इससे ना आंसर नहीं आया क्योंकि मेरी लेफ्ट और राइट की टर्म्स क्या हो गई, कैंसिल हो गई. तो कोई बात नहीं, मेरे पास और भी ऑप्शंस हैं क्योंकि इस क्वेश्चन में सिस्टम इक्विलिब्रियम में है. तो अगर इससे आंसर नहीं आया, चार्ज और भी है, तो मैंने दूसरा चार्ज कैपिटल क्यू पकड़ लिया. मैंने फिर से क्वेश्चन सॉल्व किया, इस बार इक्विलिब्रियम में किसका बना रहा हूँ, कैपिटल क्यू का. तो सारी फोर्सेज अब मैं किस पे लूँगा, कैपिटल क्यू पे. और नेट फोर्स को क्या करूँगा, ज़ीरो, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया इक्विलिब्रियम में, इसलिए मैं नेट फोर्स ज़ीरो कर सकता हूँ. तो इसके लिए ये क्यू इस कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई एक्स स्क्वायर. ये कैपिटल क्यू भी कैपिटल क्यू को रिपेल करेगा, 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू बाई 2x का स्क्वायर. ले रहे हैं यहाँ तक, तो दोनों वेक्टर इस तरफ आ गए. उसने कहा ये इक्विलिब्रियम में है, तो मैंने भी दोनों वेक्टर मेरी तरफ आ रहे हैं, नेट फोर्स इसके इक्वल आ गई, इक्वल टू क्या कर दिया, जीरो. क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्सेस का सम मेरे हिसाब से क्या आना चाहिए, ज़ीरो. तो यहाँ से ये ज़ीरो से कट जाएगा कॉमन निकाल के, कैपिटल क्यू भी कट जाएगा. तो यहाँ से बचेगा क्यू बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ से बनेगा बड़ा क्यू बाई 4x स्क्वायर. बड़ा यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर भी कटेगा, आंसर आएगा. तो यही आपको प्रूव करना था कि अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई भी चार्ज ले लो अगर वो इक्विलिब्रियम में है तो ये चार्ज इसके इक्वल आएगा, ये प्रूव करना था. हो गया प्रूफ. अब कई लोग ये मन में सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव फोर्सेस का सम तो ज़ीरो हो ही नहीं सकता ना. मैं ये नहीं कह रहा ज़ीरो है क्योंकि मेरे को स्मॉल क्यू के बारे में तो पता ही नहीं ना कि वो पॉजिटिव कि नेगेटिव है. तभी तो मेरा आंसर यहाँ पर क्या आया, नेगेटिव. इसका मतलब कि इसको नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि एक वेक्टर राइट जाए तो दूसरा वेक्टर लेफ्ट जाए, तभी इनका वेक्टर सम क्या आएगा, ज़ीरो. वो ऑटोमेटिकली आंसर में नेगेटिव अपने आप प्रूव हो गया. पर आपको मेथड समझ में आ रहा है. तो हमने क्या किया, उसने कहा कि मिड पॉइंट में स्मॉल क्यू को रखो ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो. सिस्टम में छोटा क्यू भी है, सिस्टम में बड़ा क्यू भी है. स्टार्ट मैंने छोटा क्यू से किया पर प्रॉब्लम है कि मेरी दोनों फोर्सेज आपस में कैंसिल करके आंसर नहीं दे पाई. फिर मैंने बड़ा क्यू लिया, इस पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, इस पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, दोनों का सम इक्वल टू जीरो किया क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटल क्यू सिस्टम का पार्ट एंड इट इज इन इक्विलिब्रियम. तो दोनों को इक्वेट करके इक्वल टू जीरो करके मेरे पास आंसर ऑटोमेटिकली आ गया. बोलो. नहीं, इसमें एक और तरीका है प्रूव करने का, वो इससे भी आसान है जो आप बोल रहे हो और इससे भी आसान है जो मैंने किया. और वो ये तरीका है कि आप इसमें एज्यूम कर लो कि जो ये बोल रहा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है. ठीक है, ध्यान आगे. आप एज्यूम कर लो कि ये चार्ज माइनस क्यू बाई फोर ही होगा. फिर आप एक काम करो, इसमें लाइन लिखनी पड़ेगी आपको सब्जेक्टिवली कि लेट अस एज्यूम कि ये स्टेटमेंट ट्रू है. फिर आप इसमें ऐसे करें कि ये कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू, ये मिड पॉइंट, तो इसको इज इक्वल टू क्या मान लें, माइनस क्यू बाई फोर.
तो ये जी आप जो कह रहे हैं ठीक बोल रहे हैं, मान लिया आपकी बात, तो आपकी बात को ठीक कर देते हैं। कैसे? ये इक्विलिब्रियम में बनाना है, तो आप इमेजिन करें कि ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट, फोर्स बोलें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, क्यू इंटू कितना, q/4 मैग्नीट्यूड ओनली डिवाइडेड बाय x2, फोर्स आ गई। फिर जो दूसरा चार्ज है कौन सा, कैपिटल क्यू, इस कैपिटल क्यू को यहां फोर्स लगाएगा कितनी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाय कितना, 2x2। चेक कर लें ये दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम है और आपस में क्या हो गई, कैंसल, इक्विलिब्रियम में है। हाँ तो ठीक है, हैंस प्रूव, आप जो कह रहे थे ठीक कह रहे हो, तो मतलब वो नहीं करोगे तो ये तो करोगे ही, हैंस प्रूव तो हर कोई करके आएगा, ठीक, पर पॉइंट समझ में आ रहा है। तो ये भी गलत नहीं है, कई बुक्स ऐसे करती हैं, तो जो चार्ज गिवन है वो पुट कर दें और फिर इक्विलिब्रियम बना दें तो भी सही है, कोई डाउट है इसमें? वैसे ये ज़्यादा पसंद आता है लोगों को, उसकी बात ही ठीक करनी है, और नहीं भी होगा तो भी ज़बरदस्ती इक्विलिब्रियम तो करके ही आना है ना, उसको बोल रहा है तो बोल रहा है, ठीक, पर समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे चेक करना है इक्विलिब्रियम, चलेगा ये मेथड भी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अपने असाइनमेंट ओपन करें जो भी हम कर रहे हैं, तो ये 6th और 7th हो गया। 8th क्वेश्चन देखो हमने कर लिया, ये आपका होमवर्क है, वही सेम ट्राइंगल वाला क्वेश्चन, सुपर पोजिशन वाला, वैल्यूज चेंज है, बाकी सब सही है। 9th क्वेश्चन को ट्राई करें प्लीज़, 9th क्वेश्चन को आपने ट्राई करना है, फिगर आपके सामने है और स्टेटमेंट देखनी है तो स्टेटमेंट देख लें, ये 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। देखो इसमें जो स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं उसमें इसको ध्यान से देख लें, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज निकालना है 1 माइक्रो कूलम के ऊपर। इधर डायग्राम में देखें, देखो आपको क्या गिवन है, एक चार्ज गिवन है 2×10⁻¹ कूलम, चेक कर लें स्टेटमेंट में, जो कि ए पॉइंट पे है। दूसरा चार्ज गिवन है बी पॉइंट पे −¹¹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 ¹
सिक्स। नेट फोर्स निकालनी है वन के ऊपर, तो सारे वेक्टर किस पे ड्रॉ करने हैं, वन के ऊपर। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल। ये एफ वन है। एफ वन की वैल्यू अगर नोट करनी है तो एफ वन की वैल्यू ऐसे बनेगी, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टू इंटू टेन की पावर माइनस एट, वन माइक्रो कूलम का मतलब टेन की पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई 0.10 का होल स्क्वायर। ये आ गया एफ वन, बन गया एफ वन। फिर ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट। तो एफ टू का मैग्नीट्यूड भी निकल आएगा, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट टेन की पावर माइनस एट, प्लीज टेक मैग्नीट्यूड ओनली, माइनस साइन नहीं लेना, इंटू वन इंटू टेन की पावर माइनस सिक्स डिवाइडेड बाई 0.05 का स्क्वायर। स्टेप क्लियर है? तो आपने इसको इसको रिपेल किया, इसने इसको अट्रैक्ट किया, मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस आ जाएंगी एफ वन एंड एफ टू। कोई डाउट इसमें? फोर्सेस आ गई, दोनों के बीच में एंगल क्या दिख रहा है आपको, 90 डिग्री। तो नेट आंसर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, एफ वन स्क्वायर एफ टू, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है, नेट आंसर आएगा। और डायरेक्शन क्या होगी, अलॉन्ग पी के, लिख देना अलॉन्ग पी के। तो ये देखो, तो इसके अंदर मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ये एफ वन है, एफ वन जब सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 18 × 10⁻³ न्यूटन। फिर ऐसे ही मैंने एफ टू सॉल्व किया, एफ टू 1 μC और 10⁻⁸ का मैग्नीट्यूड है, सॉल्व करके ये आएगा नेट आंसर अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, ये आंसर आएगा। मेथड समझ में आ रहा है? दो वेक्टर 90 डिग्री पे हैं, फिर से देखो सुपर पोजिशन है, ये पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया, ये नेगेटिव ने पॉजिटिव को अट्रैक्ट किया, एंगल 90 है, तो अंडर रूट ऑफ एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर इज द आंसर। तो पहले आप एफ वन कैलकुलेट कर लें यहाँ से, ये रहा, एफ टू कैलकुलेट कर लें, रूट एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर इज द आंसर। तो क्योंकि दो वैक्टर 90 डिग्री पे आएंगे तो नेट रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो इसको होमवर्क नोट करें, आप इसको होमवर्क के फॉर्म में करना,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इक्वल चार्जेस वुड बी प्लेस्ड ऑन अर्थ एंड मून, एज्यूमिंग कि दोनों का पेयर का साइज सेम ही है, कुछ साइज में चक्कर नहीं है, चार्ज क्यू क्यू है, कितना चार्ज क्यू एंड क्यू रखें ताकि क्या हो जाए, न्यूट्रलाइज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। न्यूट्रलाइज का मतलब बराबर करना, तो इनमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और इनमें जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी वो बराबर हो जाए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, जी एम1 एम2 बाय आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r स्क्वायर कैंसिल, जी आपको पता है 6.6 × 10⁻¹⁻, दोनों के मासेस गिवन है, सिर्फ चार्ज निकालना है तो चार्ज आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, दोनों फोर्सेस को इक्वेट करना है। ठीक है, क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें प्लीज, 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ें और समझे इसमें क्या गिवन है। 11th क्वेश्चन, देखो इसमें टू इक्वल चार्ज पार्टिकल की प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को कैसे करना है, टू इक्वली चार्ज पार्टिकल हेल्ड 3.2 × 10³⁻³ मीटर अपार्ट, तो दो चार्ज पार्टिकल में इतनी दूरी है, आर रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इनको छोड़ दिया, मतलब नॉर्मली क्वेश्चन में इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टैटिक होता है, चार्ज मूव नहीं करता, पर इसमें वो कह रहा है कि मूव कर रहा है क्योंकि इसमें एक्सेलरेशन गिवन है मूव करने की, तो अलाउड है मूव करना। तो इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ फर्स्ट इज 7, तो फर्स्ट पार्टिकल चलता है विद 7 और सेकंड पार्टिकल चलता है विद 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं, दोनों चार्जेस में साइन गिवन नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव, या तो ये अट्रैक्ट करेंगे या ये रिपेल करेंगे, आप कुछ भी अज्यूम कर लें। मैंने अट्रैक्शन शो की है, मैंने दो वेक्टर एक्सेलेरेशन के ऐसे शो किए हैं, पर मेरे को तो पता नहीं ना कोई पॉजिटिव नेगेटिव उसने कौन सा मेंशन किया है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप ऐसा मान सकते हैं कि दोनों रिपेल कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इस क्वेश्चन में डायरेक्शन मैटर नहीं कर रही। एक्सेलेरेशन a1 a2 आपको गिवन है, आपको पहले पार्टिकल का मास भी गिवन है, आपको दूसरे का मास निकालना है। लॉजिक ये है, दो पार्टिकल जब अट्रैक्ट कर रहे हैं या रिपेल कर रहे हैं, जो भी आप अज्यूम कर रहे हो, फोर्स दोनों में एग्जैक्टली इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो कूलम फोर्स, अगर एक ने दूसरे पे एफ लगाई तो दूसरे ने पहले पे एफ ही लगाई, ये मानते हो। अब उस फोर्स से वो पार्टिकल मूव करता है, अब फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के लॉ से क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, तो इसकी फोर्स क्या बनेगी m1 a1, इसकी फोर्स क्या बनेगी m2 a2। अब एफ की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम है, तो एफ इज इक्वल टू m1 a1, इसके लिए एफ इज इक्वल टू m2 a2, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ F is m1 a1 m2 a2 एक ही बराबर है। अब सबसे पहली चीज, आपको m1 पता है, आपको a1 पता है, m2 निकालना है और a2 पता है, तो यहाँ से m2 आ गया, पहला पॉइंट क्लियर। तो पहले इस इक्वेशन से आप पहले m2 निकाल लें, ठीक, क्लियर है यहाँ तक। फिर आपको इस क्वेश्चन में चार्ज का मैग्नीट्यूड भी निकालना है, इसमें चार्ज की वैल्यू क्या होगी, मैग्नीट्यूड ओनली प्लीज, इक्वल चार्जेस हैं तो आप फोर्स का फॉर्मूला लगाएं 1/4 πε₀ q1 q2 q² / x² क्योंकि चार्ज तो बराबर ही है। फोर्स तो मुझे पता नहीं, पर मेरे को ये पता है कि f की वैल्यू m1 a1 से या m2 a2 से निकल सकती है, तो मैंने f की जगह क्या पुट कर लेना है, m1 a1, क्योंकि मेरे को m1 पता है, मेरे को a1 पता है, मेरे को x भी पता है, तो मैं सॉल्व करके क्या निकाल लूँगा, q निकाल लूँगा, बात खत्म। तो पॉइंट समझ में आ रहा है, चार्ज कैसे निकलेगा, तो पहले m1 a1 m2 a2 से m2 निकलेगा, फिर m1 a1 से फोर्स निकलेगी, फोर्स से चार्ज निकलेगा आंसर,
कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे सोचना है इस क्वेश्चन में? ठीक है, लिख लेते हैं कॉपी पर, हिंट लिख लेते हैं। ठीक है यहाँ तक कोई डाउट इसमें? ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें प्लीज, ट्वेल्थ क्वेश्चन देखें। ट्वेल्थ क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस 0.1 मीटर अपार्ट रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 18, सम ऑफ चार्जेस इज 9, कैलकुलेट इट्स सेपरेट वैल्यू। देखो इसमें ना एक ही कॉन्सेप्ट है जो आपको इसमें समझना है, वो ये कि आपको इसमें फोर्स की वैल्यू 18 न्यूटन गिवन है, ठीक है। टोटल सम ऑफ चार्ज 9 माइक्रोकूलम गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो अगर एक चार्ज आप Q मानते हो तो दूसरा 9 माइनस Q मानोगे, ये भी क्लियर है। पर क्योंकि सम ऑफ चार्ज 9 माइक्रोकूलम है और एक चार्ज अगर आपने Q माना तो उस Q के यूनिट भी माइक्रोकूलम ही हैं, क्योंकि अगर टोटल सम 9 है तो एक चार्ज अगर Q है तो दूसरा चार्ज कितना है, 9 माइनस Q है। पर क्योंकि 9 के यूनिट्स क्या चल रहे हैं, माइक्रोकूलम, तो Q के यूनिट्स भी क्या चलेंगे, माइक्रोकूलम। तो इसीलिए जब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, यही इंपॉर्टेंट है इसमें, फोर्स आपको पता है, ये आपको पता है, एक चार्ज अगर Q1 ले लिया आपने, दूसरा 9 माइनस Q1 लिया आपने, पर इंपॉर्टेंट ये है दोनों में 10 की पावर माइनस 6 लगाना है, क्योंकि इनके यूनिट्स क्या रहेंगे, माइक्रो कूलम, और R आपको पता है यहाँ से आंसर आएगा, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। क्योंकि अगर आपने इसको कूलम ले लिया और 10 की पावर माइनस 6 नहीं लगाया, आपका आंसर गलत आ जाएगा, क्योंकि पूरे चार्जेस जो है उसका सम 9 माइक्रोकूलम है। 9 माइक्रोकूलम में से अगर एक चार्ज Q1 है तो दूसरा 9 माइनस Q1 होगा, लेकिन माइक्रोकूलम में होगा। तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, दोनों में 10 की पावर माइनस 6 आएगा तभी आंसर सही आएगा, तो आंसर सही नहीं आएगा, कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? बाकी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे ख्याल से क्वाड्रेटिक बन सकती है इसमें, क्वाड्रेटिक ही बनेगी, यहाँ से सॉल्व करके आपका आंसर आएगा। लंबा क्वेश्चन है थोड़ा सा, बट मेथड समझ में आ रहा है कि करना क्या है इसमें। ठीक, इसमें नेक्स्ट जो अगर ऑब्जेक्टिव आएगा फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ऑब्जेक्टिव में तो ऑप्शन देख के पता जाता है 5 और 4 आंसर है, ताकि टोटल सम 9 है। पार्टिकल जिसका मास m है और जिसका चार्ज माइनस Q1 है स्टार्ट्स मूविंग अराउंड द फर्स्ट चार्ज Q2 के आसपास घूम रहे, आपको टाइम पीरियड बताना है इसमें क्या होगा। तो जब भी कोई चीज़ मान लो ये फिक्स्ड है और इसके आसपास घूम रहा है, जब भी ये इसके आसपास सर्कल में घूमेगा तो क्या चाहिए सर्कल में घूमने के लिए, सेंट्रिपिटल। सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ एक्ट करेगी, टुवर्ड्स सेंटर। कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये प्लस इस माइनस को अट्रैक्ट कर रहा है, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, 1/4πε0 Q1 Q2 r का स्क्वायर। तो ये फोर्स जो होगी, इसके अट्रैक्टिव फोर्स और वही एक्ट करेगी सेंट्रिपिटल। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, 1/4πε0 Q1 Q2 r² और सेंट्रिपिटल का फॉर्मूला या तो mv² / r है या mr² है। मैंने जानबूझ के यूज किया क्योंकि मेरे को टाइम पीरियड निकालना है, तो मैं ओमेगा को क्या लिख सकता हूँ, 2π/T, इसको स्क्वेयरिंग कर देनी है 4π² / T² क्रॉस मल्टीप्लाई करके T² से T आपका आंसर आ जाएगा। मेथड समझ में आ रहा है कि सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है और किसको किसके साथ इक्वेट करना है, तो इक्वेट करके यहाँ से T कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। फिर से सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में कौन घुमा रहा है, सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए। कौन प्रोवाइड कर रहा है सेंट्रिपिटल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टूवर्ड सेंटर है, क्योंकि देखो ना प्लस क्यू टू माइनस क्यू वन को खींच रहा है, इतनी फोर्स से खींच रहा है, और यही एक्ट कर रही है सेंट्रिपेटल। ओमेगा की जगह 2π बाय कैपिटल टी, 4π स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, स्क्वायरिंग टी स्क्वायर निकाल लें एक तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई अंडर रूट। कैलकुलेशन अपनी आपकी अपनी है, तो हिंट दे रहा हूँ कि ऐसे करना है, मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें, ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, देखो कुछ नहीं है, वेक्टर की और प्लस वन की रिवीजन हो रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है एक्चुअल में तो इसमें, क्योंकि अभी असली जो चैप्टर है ना वो स्टार्ट जो होना है वो होना है फ्लक्स से। अभी टाइम है, हफ्ता का टाइम है, अभी पॉइंट चार्जेस पे काम चल रहे हैं, फिर पॉइंट चार्जेस से जब हटेगा तो कुछ नए मेथड आएंगे जिससे कि फोर्स एंड फील्ड निकलता है, वहाँ से गेम एकदम सही बनती है और वो ईजी हो जाता है। सच बताऊँ इससे तो कम से कम इंटरेस्टिंग रहेगा, बट फिर भी एनसीईआरटी को फॉलो तो करना ही है, तो सब कुछ करना तो पड़ेगा, यू नेवर नो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो एक बार करना पड़ेगा। 14th क्वेश्चन को एक बार देखें प्लीज़, 14th एक बार ट्राई करें, 14th तो इसमें पिथ बॉल एक ऐसा मटेरियल है जो चार्ज को स्टोर कर सकता है, ठीक, कंडक्टर भी नहीं है लेकिन कुछ मटेरियल है। तो चलो हमने बॉल्स के ऊपर रिसर्च तो करनी नहीं है, बस एक बॉल है जिसके ऊपर चार्ज है। तो क्वेश्चन है, फ्री पिथ बॉल 8 ग्राम की बॉल है, कैरिंग अ पॉजिटिव चार्ज है, वॉट मस्ट बी नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट वुड बी गिवन टू अ सेकेंड पिथ बॉल जो 5 सेंटीमीटर नीचे है ताकि ऊपर वाली बॉल रेस्ट पे रहे। देखो बेसिक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि सपोज करो आपके पास एक कोई भी बॉल है जिसका मास m है और चार्ज पॉजिटिव q है, 5 सेंटीमीटर नीचे एक और बॉल रखनी है ताकि ये हवा में रेस्ट पे रहे, तो मुझे पहला आंसर दो, ये चार्ज, इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव की नेगेटिव क्या होगा? कितने लोग बोलते हैं पॉजिटिव होगा, कितने बोलते हैं नेगेटिव होगा? अच्छा ये बताओ, ये बॉल नीचे आएगी, क्यों आएगी? इसका वेट इसे नीचे गिरेगा। अगर मैं बचाना चाहता हूँ और हवा में स्टेशनरी रखना चाहता हूँ तो ये बॉल इसे क्या करे? रिपेल तब करेगी जब इसके ऊपर भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव, ताकि पॉजिटिव को क्या करे? रिपेल, ताकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन वेट को बैलेंस कर जाए। तो इसका मतलब नीचे वाली बॉल पे भी कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव होगा तो बॉल को खींच लेगी, वेट भी खींच रहा है, नेगेटिव भी खींचेगी, फिर बॉल रेस्ट पे नहीं आ पाएगी। तो पहला आंसर मिल गया। फिर वो कह रहा है कि ये बताओ कि इसके अंदर चार्ज की वैल्यू क्या होगी, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो इसको करने के लिए गिरा, तो सपोज करो ये इसके ऊपर चार्ज क्यू होगा जो पॉजिटिव होगा, 5 सेंटीमीटर नीचे ये बॉल है, ये बॉल हवा में है, इसका वेट mg है, ये इसे रिपेल करेगी विद अ फोर्स ऑफ 1/4π एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज मुझे पता है q1 q2 बाई r का स्क्वायर। और अगर मैं चाहता हूँ ऊपर के पिथ बॉल रेस्ट पे रहे तो ये और ये वेक्टर आपस में इक्वल कर दो। तो यही किया हुआ है, देखो mg और ये फोर्स बराबर करते, तो ये q2 पॉजिटिव आएगा, आपको सारी वैल्यूज गिवन है, मास, जी, सब गिवन है, यहाँ से Q2 कैन बी कैलकुलेटेड। मेथड समझ में आ रहा है कि रेस्ट पे कोई चीज़ क्यों रहेगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन वेट को बैलेंस करेगी तो बॉल रेस्ट पे रहेगी, तो वहाँ से Q2 कैन बी कैलकुलेटेड। कोई डाउट इसमें? तो लॉजिक समझ में आ रहा है पिथ बॉल का, जब क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा सॉल्व, ठीक है? ठीक है यहाँ तक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिपीट है क्वेश्चन नंबर 5 का, 15th करने की ज़रूरत नहीं है, रिपीट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 है, और ये हमने कर लिया चार्ज की वैल्यू कैसे करनी है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये रहा 16th, एस्टीमेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नो इलेक्ट्रॉन नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ये, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 ग्राम ऑफ वाटर। तो 1 ग्राम पानी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बताओ,
इसमें फिजिक्स का कोई लेना देना नहीं है, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, और उन पे चार्ज बताओ। तुम अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता दोगे, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो मुझे पता ही है, मैं टोटल चार्ज बता दूंगा। अब मुझे पता है कि एक मॉलिक्यूल में 2+8 10 इलेक्ट्रॉन है पानी के मॉलिक्यूल में। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप निकाल सकते हो, एवोगैड्रोस नंबर को 18 से डिवाइड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, एक आंसर आ गया। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज है, तो इतने नंबर पे कितना होगा, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, इतने कूलम आ गया। कोई लेना देना नहीं फिजिक्स में, बोल रहा हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो केमिस्ट्री से ही निकलेंगे। क्या ये स्टेप क्लियर है यहाँ तक, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? ठीक ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन।